दोस्तों आप में से कोई भी बंदा मेरी अगर आज की इस वीडियो को गलत साबित कर दे तो उस बंदे को मैं 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए इनाम दूंगा। और अगर आप में से कोई भी बंदा मेरी आज की इस वीडियो को गलत साबित ना कर पाया तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी माई का लाल आप लोगों को लाखपति बनने से नहीं रोक सकता, कोई भी माई का लाल आप लोगों को करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे तरीके लेकर आया हूं। अगर इन दोनों तरीकों में से आप लोग किसी एक तरीके को भी फॉलो कर लेते हो तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले पहले ही आप लोग लाखपति बन जाओगे, कोई माई का लाल आप लोगों को लाखपति बनने से नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा, जो तरीका आप लोगों को सबसे अच्छा लगे उसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। दोनों तरीकों के जरिए आप लोग पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये तरीके कौन से हैं, इन पर आप लोगों ने अमल कैसे करना है, इंशाल्लाह ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर तो आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और हाँ दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं किया बल्कि आप लोगों ने अपने फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बकायदा वीडियो को गाज करने से पहले दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में वादा करता हूं, जो बंदा भी कमेंट विनर हुआ करेगा उसकी मैं फ्री में प्रमोशन किया करूंगा। आज के विनर को आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जितना हो सकता है इस बंदे को सपोर्ट करें, इनकी वीडियोज को लाइक करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की फ्री में प्रमोशन की जाए तो आप लोगों का भी यही टास्क है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे कोई से भी तीन अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट करने हैं। जो बंदा भी विनर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी फ्री में प्रमोशन करेंगे। और हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करता चला जाऊं कि मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं और प्रैक्टिकल करके सिखा सकता हूं, बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है और रिजल्ट देने वाली अल्लाह पाक की जात। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है टुडे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच हाइलाइट्स। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने वो वाले मैच आ जाएंगे जो कल की डेट में हुए होंगे या फिर आज की डेट में हुए होंगे। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल मैच हुआ था, तो ये हाइलाइट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगर आप लोग इससे नीचे आएंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने हैं, 13 घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया और नैदरलैंड के दरमियान हुआ था, उसकी हाइलाइट्स भी आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग इससे मजीद नीचे आते जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को मजीद हाइलाइट्स मिलती जाएंगी। अब ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो कल मैच हुआ था उसकी हाइलाइट्स भी आप लोगों के सामने हैं। इनमें से कोई भी एक मैच आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, किसी भी एक वीडियो को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। फर्ज किया दोस्तों इनमें से हम लोग ये वाली वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और नैदरलैंड का जो मैच हुआ था कल उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसको किस तरीके से एडिट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पर जाकर अपलोड करना है, अब वो तरीका कर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों आप लोग अपने वीडियोस को कैनवा के जरिए भी एडिट कर सकते हो। कैनवा के जरिए अगर आप लोग अपनी वीडियोज को एडिट करोगे तो इससे आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग इनशॉट के जरिए अपनी वीडियोज को एडिट करोगे तो इसमें आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने अपनी वीडियोज को इनशॉट के जरिए एडिट करना है। आप लोगों ने इनशॉट पर क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोगों ने अपनी वीडियोस को एडिट करना है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, अभी जिस मैच को हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको मैं इनशॉट पे ले आया हूं। अब इसको आप लोगों ने एडिट किस तरीके से करना है वो तमाम तर तरीका कर अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या वीडियो को स्किप कर देंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो कल को आप लोगों को किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप लोगों ने मुझे नहीं कहना कि भाई हमारी वीडियो पर तो कॉपीराइट क्लेम आ गया है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो का जो इंट्रो है उसको आप लोगों ने डिलीट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, पहला ओवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इंट्रो को आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे इस वीडियो के इंट्रो को आप लोग रिमूव कर देंगे उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ये आप लोगों को फ्लिप की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइड होगी वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ से आप लोगों ने साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसका साइज आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट करना है, 4:5 इसका साइज आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसका साइज ये वाला आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर और नीचे ये आप लोगों को ब्लैक इसे नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों ने इसी तरीके से लेकर आना है।
और उसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेना है। जैसे इस तरीके से आप लोग जूम कर लेंगे तो ये जो आप लोगों को लोगो नजर आ रहा होगा ये लोगो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। काम करने के बाद आप लोगों ने टिक पर क्लिक करना है और आप लोगों ने बैक चले जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसकी जो स्पीड है वो आप लोगों ने हाई कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों को स्पीड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसकी स्पीड को इस तरीके से आप लोगों ने इतना हाई कर लेना है जितना दोस्तों मैंने इसकी स्पीड को हाई किया है, इतना ही आप लोगों ने इसकी स्पीड को हाई कर लेना है। स्पीड को हाई करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इसकी जो कलरिंग है वो आप लोगों ने चेंज कर लेनी है। आप लोगों ने फिल्टर पर क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग फिल्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने एडजस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एडजस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा वैसे वैसे ही आप लोगों ने काम करना है, ना ही आप लोगों ने अपनी तरफ से कम करना है और ना ही आप लोगों ने ज़्यादा करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको भी इस तरीके से बढ़ा लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको भी इस तरीके से बढ़ा लेना है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने लास्ट पर चले जाना है और इसको भी इस तरीके से आप लोगों ने इतना बढ़ा लेना है। जैसे ही आप लोग इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके साइज को भी इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। दोस्तों ये 3 से 4 स्टेप आप लोगों ने करने हैं। जैसे ही आप लोग इतना काम कर लेंगे इसके बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो का जो वॉल्यूम होगा वो आप लोगों ने इस तरीके से बंद कर देना है। जैसे ही आप लोग इसका वॉल्यूम बंद कर देंगे इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपना वॉइस ओवर भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक भी लगा सकते हैं। वॉइस ओवर आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, आप लोगों ने म्यूजिक पर क्लिक करना है, इसके बाद आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है तो यहाँ से आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर आप लोगों ने किस तरीके से करनी है कि आप लोगों ने बताना है कि कौन मैच जीता है, कौन हारा है, किसने ज़्यादा चौके मारे हैं, किसने ज़्यादा विकेट्स ली हैं या फिर किसने ज़्यादा छक्के मारे हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले मैच देख लेना है। मैच को देखने के बाद आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ से आप लोगों ने वॉइस ओवर करते जाना है। इसके बाद अगर आप लोग बैकग्राउंड पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद आप लोगों ने माई म्यूजिक पर क्लिक करना है। जो कोई भी म्यूजिक आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने बैकग्राउंड नॉन कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड किस तरीके से करना है वो तरीकाकार मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोग ये चीज देख लें, आप लोगों को ये ऊपर और नीचे ब्लैक हिस्सा नजर आ रहा होगा, इनको अब आप लोगों ने फिल करना है। आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तो दोनों टीमों के नाम लिख देने हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, या फिर दोस्तों आप लोगों ने कोई भी एक ऐसा जुमला लिख देना है जिससे आप लोगों की वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि नीदरलैंड ये वाला मैच कभी भी नहीं भूल सकती, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वाला मैच कभी भी नहीं भूल सकती। फर्ज किया दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों टीमों का नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड। इसका दोस्तों आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कोई भी आप लोग कलर रखना चाहें वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट के दोस्तों इनमें से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को जो कोई भी अच्छा लगे वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने टिक पर क्लिक करना है और आप लोगों ने बैक चले जाना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसका साइज है जो बढ़ा लेना है, जितनी आप लोगों की वीडियो होगी उस तरीके से आप लोगों ने इसके साइज को बढ़ा लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद ये नीचे आप लोगों को ये ब्लैक हिस्सा नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने दोनों टीमों के जो परचम होंगे वो आप लोगों ने लगा देने हैं। उन परचम्स को आप लोगों ने किस तरीके से लगाना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, अब वो तरीकाकार आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों ने अपने मोबाइल में इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से आसानी मिल जाएगी। जैसे इसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है ऑस्ट्रेलिया फ्लैग। जैसे दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ऑस्ट्रेलिया के काफी परचम आ जाएंगे, इनमें से आप लोगों ने किसी भी एक को डाउनलोड कर लेना है। फर्ज के दोस्तों हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये परचम डाउनलोड होकर आप लोगों की गैलरी में चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने दूसरी टीम के परचम को भी डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है नीदरलैंड फ्लैग। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे तो उस कंट्री के भी आप लोगों के सामने काफी फ्लैग आ जाएंगे, इनमें से आप लोगों ने किसी भी एक को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट के दोस्तों इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों उनको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर उनको लगा देना है। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने परचम्स को उठा लेना है और इस तरीके से इनका साइज
आप लोगों ने कम करना है। साइज कम करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और जो नेदरलैंड का परचम होगा उसको भी आप लोगों ने इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इन दोनों परचम को इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे उसके बाद आप लोगों ने इनका जो साइज है वो भी आप लोगों ने बढ़ा लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसकी लेंथ को बढ़ाते जाना है। जितनी आप लोगों की वीडियो होगी उतनी ही आप लोगों ने इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, आप लोगों को कल को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसे दोस्तों आप लोगों ने इसकी लेंथ को बढ़ा लिया है वैसे ही आप लोगों ने इसकी लेंथ को भी बढ़ा लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको भी आप लोगों ने इस तरीके से बढ़ाते जाना है। जैसे दोस्तों इन दोनों की आप लोग लेंथ बढ़ा लेंगे, ले दोस्तों अभी आप लोगों की वीडियो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आप लोगों की वीडियो को चार चांद लग चुके हैं। अभी दोस्तों इसका साइज मुकम्मल करने के बाद मैं वीडियो प्ले करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, इन दोनों का साइज हम लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों के सामने वीडियो प्ले कर दी है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों की वीडियो कितने ही शानदार तरीके से चल रही है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडिट करना है, इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को चार चांद लगाने हैं। मेरी एक बात याद रखना, क्रिकेट मैच किसी भी टीम का हो चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, लोग इसको बहुत ही शौक के साथ देखते हैं। आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको फ्लिप कर देना है और इस तरीके से आप लोगों ने एडिट करना है। दोस्तों आप लोगों ने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहां से उठाना है अब वो तरीकाकार भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब का जो वाइट स्टूडियो होता है उसको आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यूट्यूब की जो लाइब्रेरी होगी वो ओपन हो जाएगी। यहां से दोस्तों आप लोग कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहां से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों की वीडियो पर किसी भी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। यहां से दोस्तों आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं बल्कि हजारों नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएंगे जिनको आप लोग अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सेव पर क्लिक करना है, इस वीडियो को आप लोगों ने सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर भी अपलोड करना है, आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर भी जाकर अपलोड करना है, आप लोगों ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी जाकर अपलोड करना है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना है, यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे उन पर जाकर आप लोगों ने अपलोड कर देना है। अगर दोस्तों आप लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, अगर आप लोगों के अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर आ जाते हैं तो दूसरा तरीका भी आप लोग समझ लीजिए कि दूसरे तरीके से आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्चिंग बार पर आप लोगों ने इस वाली वेबसाइट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेना है। नीचे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आप लोगों ने लिख देनी है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सोशल मीडिया लिखा नजर आ रहा होगा। इसके नीचे दोस्तों आप लोगों को ये भी लिखा नजर आ रहा होगा, यूट्यूब चैनल फॉर सेल, टिकटॉक अकाउंट फॉर सेल, फेसबुक पेज फॉर सेल, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फर्ज के दोस्तों मैं आप लोगों को टिकटॉक का अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों के 90,000 फॉलोवर हैं तो उनको आप लोग $500 में यहाँ पर सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों के 74,000 फॉलोवर हैं तो उनको आप लोग $400 में सेल कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर अगर यूट्यूब चैनल को सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों के 1,02,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उसको आप लोग $850 में सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों के 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उसको आप लोग $298 में सेल कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग अपने बजट के मुताबिक अपने चैनल को सेल कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को फेसबुक पेज भी दिखा देता हूँ। अगर तो आप लोगों के 38,000 फॉलोवर हैं उसको आप लोग $228 में सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों के 12,000 फॉलोवर हैं तो उसको आप लोग $500 में सेल कर सकते हो। फिर यही कहूंगा कि आप लोगों ने अपने बजट के मुताबिक अपने अकाउंट को यहां पर सेल कर देना है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करता चला जाऊं कि जब भी आप लोगों ने अपना अकाउंट सेल करना है तो उसको आप लोगों ने पाकिस्तानी ग्रुप्स में सेल नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुप्स में सारे के सारे स्कैमर बैठे होते हैं। जब भी आप लोगों ने सेल करना है सबसे पहले आप लोगों ने
देख लेना है कि आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आ गई है। जब आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी उसके बाद ही आप लोगों ने अपने अकाउंट को सेल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। दोस्तों अगर ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है और शेयर तो इससे भी ज़्यादा लाजमी करना है। अगर आपके शेयर करने की वजह से किसी का भला होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई नेकी हो ही नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।